हेलो एंड वेलकम टू अनकट डिजिटल पॉइंट। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, मैं हरीम खान, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अनकट डिजिटल पॉइंट। गाइस आपका भाई एक बार फिर से आ गया आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ले सकते हैं 40,000 रुपये तक का लोन। यहां पर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से आपने लोन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए मैंने पहली बार वीडियो देख रहे हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें चले जाना, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आपको यहाँ पर मिलती रहती है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो आपको लोन लेने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए गाइस, मैं आपसे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये केवल सैलरीड एम्प्लॉय के लिए है। अगर आपके पास सैलरी स्लिप है, पिछले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट है, तो आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर देना होगा आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो आप लोन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको 110% यहाँ पर लोन मिल जाए, सभी सिटी के अंदर अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड इस वीडियो को देखने लगे तो वीडियो पूरा देखे, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है। गाइज एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा प्ले स्टोर पर चले जाएंगे। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन दिखाई देगी जिसका नाम है क्विक लोन इंस्टेंट लोन एट लो इंटरेस्ट एंड लो ईएमआई अपवर्ड्स। ये वाली एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होती है, इंटरफेस कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप सैलरीड एम्प्लॉय होने चाहिए, मिनिमम मंथली सैलरी आपकी 15,000 होनी चाहिए, 1 साल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आप, और पिछले 3 साल में कोई लोन डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड देना होगा, 1 मंथ सैलरी स्लिप देनी होगी, एड्रेस प्रूफ देना होगा, पिछले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देनी होगी, ठीक है। अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स है तो आपने फेसबुक या फिर गूगल से आपने इसको साइनअप कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर साइनअप कर लेता हूँ। साइनअप करने के बाद आपने इसको अलाउ कर देना है। जैसे ही आप इसको अलाउ करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी होगी। सबसे पहले आपको आपके मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन करनी होगी। यहाँ पर आपके पास एक ओटीपी आएगी, ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ पर डल जाएगी, नेक्स्ट कर देना है आपने। जैसे आप इसको नेक्स्ट करते हैं आपकी ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी सक्सेसफुली। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी है। सबसे पहले मंथली इनकम कितनी है आपकी, वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद आपकी सैलरी कैश से आती है, ऑनलाइन आती है, फिर चेक्स आती है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है कंपनी का नाम, ऑफिस ईमेल आईडी, प्रोफेशनल टाइप, ठीक है। ये पूरी की पूरी डिटेल आपने कंप्लीट फिल करनी है। तो चलिए गाइज मैं भी यहाँ पर ये जो डिटेल है कंप्लीट फिल कर देता हूँ, और उसके बाद आगे के स्टेप आपको बताता हूँ कैसे आपने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं कंपनी का नाम डाल देता हूँ, उसके बाद ऑफिशियल ईमेल आईडी मुझे यहाँ पर डालनी है, प्रोफेशनल टाइप आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। प्रोफेशनल टाइप आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और जब आप ये सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है वो आपको नीचे की ओर डाल देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये सब कुछ अभी डाल दिया। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर लोन प्रपोज करना है, किस चीज़ के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर करंट एड्रेस डाल देना है आपका, जो आपका करंट एड्रेस आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर हो वही आपको यहाँ पर डाल देना है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। आपका डॉक्यूमेंट्स अगर मिसमैच होता है तो फिर लोन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ओके। तो चलिए मैं यहाँ पर ये अपना करंट एड्रेस कंप्लीट सही सही डाल देता हूँ। करंट एड्रेस डालने के बाद आपको गाइज यहाँ पर KYC करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना है पैन कार्ड नंबर, उसके बाद फुल नेम जो आपके पैन कार्ड के अंदर हो, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, और लास्ट में डालना है आपको आपका आधार कार्ड नंबर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पर आपको आधार कार्ड देना होगा, पैन कार्ड देना होगा, सैलरी स्लिप देनी होगी, बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, और उसके बाद यहाँ पर आपको करना होगा इसको सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपनी KYC कर दी है, नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सेव एंड कंटिन्यू, उस पर क्लिक करता हूँ। और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे प्री अप्रूवल मिल गया है 40,000 रुपये का, जो मुझे मिलेगा 24 महीने के लिए, 2500 कुछ रुपये की इसकी EMI होगी। उसके बाद आपको मिलेगा ये लोन, और ये तीसरा स्टेप है यानी लास्ट स्टेप है, इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी होगी, ठीक है। आपकी सेल्फी आपको यहाँ पर एक देनी होगी, उसके बाद पैन कार्ड की फोटो देनी होगी, करंट एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पर देना होगा, कंपनी आईडी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी, और आपको गाइज यहाँ पर करनी होगी लास्ट मंथ सैलरी स्लिप अपलोड। जैसे कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पर आपको सैलरी स्लिप भी देनी होगी, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको नीचे दिखेगा सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन, वहां पर आपने क्लिक करना है। तो चलिए मैं कर देता हूँ सबमिट एंड कंटिन्यू, और जैसे मैं सबमिट एंड कंटिन्यू करता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पर पिछले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड करनी होगी, PDF फॉर्मेट के अंदर वो होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं ये भी कर देता हूँ। यहाँ पर 40,000 रुपये का लोन मिलेगा मुझे 24 महीने के लिए मिलेगा, 2500 कुछ रुपये की इसकी EMI होगी अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये लोन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड, और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद इसको कर देता हूँ सबमिट, ठीक है। जब इसको मैं सबमिट कर दूंगा उसके बाद यहाँ पर
आपके सामने पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो ये लोन है ये प्रोसेस हो चुका है, ठीक है, 24 घंटे के अंदर या फिर 6-7 घंटे के अंदर मुझे इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं तो मुझे ये लोन मिल जाएगा, अगर डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है तो लोन मुझे नहीं मिलने वाला है। आपके साथ भी सेम होने वाला है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स सही हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं है तो लोन आपको 100% मिल जाएगा। मेरे पास बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें बोलते हैं कि भाई हमें लोन नहीं मिला है, तो भाई वो कमी होती है आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, लोन रिजेक्ट इसलिए हो जाता है, ठीक है। सो गाइज आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं 40,000 रुपये तक का लोन। वैसे मैंने अपने तरीके से बताया आपको 40,000 रुपये तक का लोन, आपको मेरे से ज़्यादा अप्रूवल मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।